अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पर्सन, फ्रेंड्स पर्सन एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी भी काफ़ी लोग समझ नहीं पाए हैं, तो आज हम पर्सन के बारे में ही चर्चा करेंगे। आप पर्सन को छोटी मोटी चीज़ में समझना कि पर्सन क्या है, ये बच्चों के लिए है या बच्चों के बुक्स में आते हैं, लेकिन पर्सन समझना ज़रूरी इसलिए है ताकि हम इंग्लिश के सेंटेंस ट्रांसलेशन अच्छी तरह से सही सही बना सके। ओके फ्रेंड्स, अभी हम उदाहरण देकर आपको समझाते जाएंगे कि पर्सन सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए कितना ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखना अगर आप पर्सन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो, कि पर्सन क्या काम आता है, क्यों ज़रूरी है पर्सन के बारे में जानकारी हासिल करना। ओके फ्रेंड्स, सो पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। पर्सन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं व्यक्ति। ओके, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तीन तरह के पर्सन होते हैं और वो तीनों होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पर्सन क्या है ये जानना जरूरी है। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं और थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि ये पर्सन पढ़ के हम करेंगे क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम किसी को इंग्लिश सिखाते हैं या आप सीखने जाते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का इस्तेमाल करो और सेकंड पर्सन के साथ आर का इस्तेमाल करो और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ आर का इस्तेमाल करो। लेकिन वहाँ पर पर्सन ही आपको पता ना हो तो आप कैसे समझेंगे कि किसके साथ इज लगाना है, किसके साथ आर लगाना है। किसी सेंटेंस में डू डज का इस्तेमाल होता है और टीचर आपको बता रहा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगेगा और प्लूरल नंबर के साथ डू लगेगा, बाकी सेकंड पर्सन के साथ और फर्स्ट पर्सन के साथ डू लगेगा। इतना बता दिया। अगर आपको पर्सन के बारे में पता ना हो तो आप कैसे समझेंगे। इसलिए कहता हूँ कि पर्सन की जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पर्सन उसे बोलते हैं जो बोल रहा है। अगर हम दो लोग हैं, दो लोगों में से जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन होगा। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हो गए। ओके फ्रेंड्स, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में दोनों के बीच में बात चल रही है वो हो गया थर्ड पर्सन। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि गांधी जी महान नेता थे, तो मैंने बोला मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आपने सुना सेकंड पर्सन आप हो गए, और किसके बारे में बात किया गया, गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी क्या हो गया, थर्ड पर्सन। ओके फ्रेंड्स, तो थर्ड पर्सन अब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर वो क्या चीज़ है भला। अगर मैं बोलता हूँ कि कुत्ता रात को नहीं भौंकता है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो कुत्ता थर्ड पर्सन हो गया। अगर मैं एक कुत्ते की बात कर रहा हूँ तो सिंगुलर नंबर हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर एक से ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं तो प्लूरल नंबर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अभी हम समझते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया कि फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है और थर्ड पर्सन जो जिसके बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट पर्सन में आता क्या क्या है, आई, यहाँ पे सिंगुलर में आई आता है और प्लूरल में वी आता है, ये प्लूरल। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी, सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू ही आता है, मीन्स सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन में दो चीज़ आते हैं, पहला आई जो सिंगुलर नंबर है और दूसरा वी जो प्लूरल नंबर है, और सेकंड पर्सन में सिर्फ यू ही आता है, सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। ओके फ्रेंड्स, बाकी जितने बचे इन
तीनों के अलावे जितने भी बचे हैं सारे के सारे थर्ड पर्सन कहलाएंगे। बट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर बात करें हम, तो जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, ओके, एनी थिंग, और यहाँ पर हो गया दे, दे हो गया थर्ड पर्सन है, बट दे क्या है, प्लूरल है। ओके फ्रेंड्स, दोस, ओके, दिस, ये सब प्लूरल में आते हैं बट थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और इसमें भी अगर किसी के बारे में बताया जा रहा है और वो प्लूरल हो तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। मतलब आपको यही समझना है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू एंड यू, बाकी इसके अलावा जितने भी आते हैं जो भी हम बातें करेंगे वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आएंगे। बट उसमें यह समझना जरूरी है कि सिंगुलर क्या और प्लूरल क्या, वो भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक की बात करते हैं तो सिंगुलर और एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो होता है प्लूरल। ओके फ्रेंड्स, अब इसका इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे होते हैं, देखिए, मेरे पिताजी महान है, ठीक है, मेरे पिताजी महान है, हमने आपसे कह दिया। ओके, मैं कह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन, बट मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी महान है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर किसी को, जो बिगिनर्स हैं जिनको शुरुआत किया जा रहा है इंग्लिश सिखाने के लिए, उनको बताया जा रहा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है हमेशा, तो इसमें मेरे पिताजी महान है, मेरे पिताजी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, क्या है, मेरे पिताजी। अब कई लोग यहाँ पर माई समझ कर फर्स्ट पर्सन समझ लेते हैं, बट माई फादर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी तीसरे के बारे में, वो है माई फादर, तो ये हो गया थर्ड पर्सन, और माई फादर है तो एक ही होगा, सिंगुलर नंबर है, इसलिए वहाँ पर इज लगेगा, माई फादर इज ग्रेट। ओके, वह दूध नहीं पीता है, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज लगता है, बाकी सब में डू लगता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यहाँ पर वह दूध नहीं पीता है, वह क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, ही हो गया, हम वह के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वह हो गया, वह हो गया थर्ड पर्सन। अब ये सिंगुलर नंबर है कि नहीं, सिंगुलर है, वह है तो सिंगुलर है, अगर एक से ज़्यादा होते तो वे लोग बोलते हम, तो ही आएगा। अब इसके साथ डज आता है, डज नॉट ड्रिंक मिल्क, ओके, इस तरह से पर्सन का यूज होता है। पर्सन अगर आपको पता है तो जब भी सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन किया जाता है कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा, तो उस जगह पर पर्सन के बारे में बताया जाता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ये, और फर्स्ट पर्सन के साथ ये, सेकंड पर्सन के साथ ये, ठीक है। अगर उस जगह पर आपको पर्सन के बारे में पता है अच्छी तरह से, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि क्या बताया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पर्सन पढ़ाने का मेरा मकसद यही था कि आपको पर्सन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाए, ताकि इंग्लिश के सेंटेंस ट्रांसलेट करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो समझने में कि ये पर्सन वाला क्या चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं बोलता हूँ कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल कहाँ होता है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगेगा, बाकी सब के साथ हैव लगेगा, सेकेंड पर्सन के साथ हैव लगता है, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगता है, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव लगता है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये थर्ड पर्सन क्या बात हो रही है, किसके बारे में, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है, तो ही आप समझ पाएंगे कि किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये पर्सन के बारे में। पर्सन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और ये छोटी भी नहीं है कि जिसको हम बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए इसको, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है, और जानना ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाकर इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस
पर क्लिक कीजिए और सारे वीडियोस ऊपर से एक एक करके देखना शुरू कीजिए। अगर आप सीरियल वाइज से रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप एक महीने के बाद इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। सारे वीडियोज आ जाएंगे, यहाँ पर 7 वीडियो हैं। इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।